ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ CSIR ନ୍ୟାସନାଲ ବଟାନିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ଇଏ ବଗିଚାରେ। ଏ ବଗିଚାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହୁଛି, ଏଠି ଭାରତର ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ବୃକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି। ତା ମଧ୍ୟରୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଏଠି ଅଛି, ଯୋଉଟାକି 108 ପାଖୁଡ଼ା ରହିଛି ଏବଂ 10 ମାସ ଇଏ ଫୁଲ ଫୁଟେ। ଯୋଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣିଛୁ ଯୋଉ 30-40 ପାଖୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଯୋଉ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ 5-6 ମାସ ଫୁଟେ ଏବଂ 5-6 ମାସ ପୁରା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇକି ରହେ ପାଣି ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଭେରାଇଟିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି 10 ମାସ ଫୁଟିବ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଭବାନ ହେବ। NBRI ର ଯୋଉମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଯୋଉ ରହିଛି ପାର୍କ ରହିଛି, ଏ ପାର୍କ ଭିତରେ ୟାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ସଜେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ପଲିଥିନ ଦେଇକି ୟା ଉପରେ ଗୋବର ମାଟି ଦେଇକି ପାଣି ଦେଇକି ରଖାଯାଇଛି। 10 ମାସ ଇଏ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ୟାର ମଧ୍ୟ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି NMU 108 ପଦ୍ମ ଫୁଲ ବୋଲି। ଏବଂ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ 1 week 1 lab କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶୋ କେସ୍ କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି। ଏନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ସିନିୟର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ସାର୍, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରତା ହୁଁ। ସାର୍, ଇଏ ଯୋଉ ଭେରାଇଟି, ଇଏ ଭେରାଇଟିଟା ସର୍ବପ୍ରଥମେ କ୍ୟା ଖାସିୟତ ହେ, ଇଏ ବତାଇ। ये वेराइटीज जो है हम लोगों ने नेचुरल सेलेक्शन है, ये हम लोगों ने उसको मणिपुर से लेके आए थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने CSIR NBRI में हम लोगों ने रिसर्च करने के बाद उसका हम लोगों ने फोटो पेरर बढ़ा के इसका जो टाइमिंग, जो खिलने का जो टाइम होता है, जो सीजन होता है, नॉर्मली जून से अगस्त तक खिलता है। पर ये जो वेराइटी है ये शुरू होता है फरवरी लास्ट वीक से, यानी हम लोग उसको मार्च से शुरू माना जाता है और दिसंबर के महीने फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक ये खिलता है। ये इंडिया का पहला रिलीज वेराइटी है और उसके अलावा ये बाकी जो लोटस वेराइटीज है ये सबसे ज्यादा बहुत लंबे टाइम तक ये फूल खिलता है। इसमें यही खासियत है या और क्या खासियत है? उसके अलावा इसमें हम लोगों ने उसका होल जीनोम सिक्वेंसिंग कर चुके हैं। ये पहला ये लोटस वेराइटी है, लोटस जो जिसमें हमने होल सिक्वेंसिंग का काम किया हुआ है। उसके अलावा इसमें हम लोगों ने उसका न्यूट्रिशन एनालिसिस किया हुआ है, उसका केमिकल एनालिसिस सब कुछ कर चुके हैं। बाकी हम लोगों ने 90 accession भी हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया से कलेक्ट किया हुआ है, कश्मीर से शुरू होके वेस्ट बंगाल, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश, बिहार, उसके बाद फिर UP, जगह जगह से हम लोगों ने कलेक्ट किया है। और बाकी सबसे कंपेरिजन करने के बाद सबसे ज़्यादा इसमें न्यूट्रिशन हाइस्ट है। हाँ, उसके हम लोगों ने फल में किया है, हम लोगों ने उसका राइजोम, क्योंकि ये बहुत मशहूर है लोटस का, होता है लोटस का ककड़ी जो होता है और उसके बाद उसको खाया जाता है। लोटस का जो राइजोम से उसमें न्यूट्रिशन बहुत होता है, तो उसमें हम लोगों ने बाकी जो जितने जो वेराइटीज है उसको कलेक्ट करने के बाद उसके साथ कंपेरिजन किया हुआ है और इस वेराइटी में सबसे ज़्यादा है। अगर हम लोग ये फार्मर्स अगर लगाते हैं तो उसका उनको बहुत लाभ ले सकते हैं। एक अगर बीज लगाते हैं कोई लेके जो इसका कल्टीवेशन करे तो कितने महीने लगता है इसमें फूल आने के लिए और बड़ा होने में? अगर हम लोग बीज से शुरू करते हैं तो बीज जो है 15 दिन में वो पौधा तैयार हो जाता है, यानी अगर आप 10-15 दिन में ये पौधा तैयार हो जाता है। अगर आप राइजोम, यानी उसका जो हमारे उसमें दो टाइप का राइजोम होता है, एक जमीन के नीचे होता है, एक होता है उसके ऊपर होता है, उसको हम लोग रनर्स कहते हैं, पानी के ऊपर तैरता है, उसमें जड़ फेंकता है। अगर वो रनर्स लेके अगर लगाते हैं तो यानी 10 दिन में ये पौधा तैयार हो जाता है। और फूल कब खिलता है? जब हम लोग, हमारे पास सामने, आपके सामने भी है, तो ये 45 डेज में फूल खिलना शुरू हो जाता है। ये बाकी वेराइटी से बहुत ज़्यादा फास्ट में ग्रो करता है। और मैं बार बार मैं वेराइटी बोल रहा हूँ, जितने भी जो वेराइटी अगर मार्केट में मिलता है वो सब चाइना और थाईलैंड का है। तो ये हमारे एक देखा जाए तो कंट्रीब्यूशन ऑफ NBRI टू द नेशन है। तो ये जो रिसर्च कर रहे हैं अभी इसको फाइनलाइज कर चुके हैं, मतलब फार्मर को देने के लिए, या अभी ये फार्मर्स को देने के लिए हम लोग पौधा तैयार तो कर रहे हैं। अभी हमारे पास अभी 10,000 पौधे तैयार हैं, तो हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं, अभी नेक्स्ट हाँ हम लोग उसको लॉन्च करेंगे, जो हमारे डायरेक्टर साहब का भी आदेश के इंतजार में। ସାର୍ ଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ 2 ପଦ ଶୁଣିବା। ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉମାନେ ପଦ୍ମ ଚାଷୀ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବୁଲିକି ଦେଖିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା କେତେ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ହବ ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କ? ଏଇଟା ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଯାହା ସାର୍ ସିଂହ ସାର୍ କହିଲେ, ଏଇଟା ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ବହୁତ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବର୍ଷେ ଭିତରେ 10 ମାସ ଇଏ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି, ଆଉ 2 ମାସ ମାତ୍ର ତାର ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ମେନ୍ ଦରକାର, ଏଇଟା ସେଇଟା ଆମର ଇଏର ଫୁଲଟା ବହୁତ ଚାହିଦା ହବ, ମଧ୍ୟ ଦାମ ବି ଯେଉଁ ସମୟରେ ମିଳେନି, ପ୍ରାୟ ସବୁ ସବୁ ସମୟ 10 ମାସ ମିଳିବ, ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ମିଳିଲା। ତେଣୁ ଲାଗୁଛି ଇଏ ବହୁତ ପ୍ରଫିଟ କରିବ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ ପ୍ରଫିଟ୍ ହବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ କଢ଼ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟକୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଇଏ ମାତ୍ର 2 ଦିନରେ ଫୁଟିବ। ଏବଂ ଯେମିତି ସାର କହୁଥିଲେ, ଯଦି ତାର ଯୋଉ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ମଞ୍ଜି ଆସୁଛି, ସେ ମଞ୍ଜିକୁ ଯଦି ନେଇକି ଆପଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି 15-20 ଦିନରେ ଏଥିରେ ତା ଯଦି କହିବେ ଗଜା ବାହାରିକି ଗଛ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ମାସେରୁ 2 ମାସ ଭିତରେ ଗଛରେ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଫୁଟିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ, ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଇଏ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ୟା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି ଏବଂ କେମିତି ତାପକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ଇଏ କଲ୍ଟିଭେସନ କରାଯିବ, ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଇଏ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫୁଲକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଲାଭବାନ ହେବେ। NBRI ପାର୍କରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗଗନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।